नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम शादी ब्याह में बनने वाला मटर पुलाव बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी बासमती चावलों को अच्छे से दो तीन बार धो करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद इन्हें छलनी में छान करके इनका पानी अलग कर देंगे। अब हम एक पैन को गरम करके उसमें दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल करेंगे और साथ ही इसमें एक चम्मच देसी घी करेंगे। इससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का, 7-8 काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे, 2 लाल बड़ी इलायची जिसे हमने बीच में से कट कर रखा है और 2 तेज पत्ते डाल करके इन सबको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 10 से 15 काजू डालेंगे और इन्हें मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनेंगे। काजू के हल्का सुनहरा होने के बाद अब हम इसमें आधी कटोरी मटर के दाने डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ढक करके हल्की गैस पर 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें भीगे हुए बासमती के चावल डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें एक कटोरी चावल के लिए 1.25 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने जिस कटोरी से चावल नापे थे उसी कटोरी के नाप से हमें पानी डालना है और साथ ही इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से चावल बिल्कुल सफेद बनते हैं और इन्हें 1 उबाल आने तक ऐसे ही पकने देंगे। हमारे चावलों में उबाल आने लगा है। अब हम इन्हें ढक करके हल्की गैस पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। इसे बीच में 1 बार जरूर चला दें। हमारे चावलों को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें छोलों के साथ सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा शादी ब्याह में बनने वाला मटर पुलाव तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।